दिस इज वॉट आई सी, जो कि आपको उस स्क्रीनशॉट के अंदर जो दिख रहा था, राइट. यहाँ पे भी हमको ये दिख रहा है कि PWD किया तो ये स्लैश दिख रहा है, विच मीन्स कि आप जब ओपन कर रहे हैं बैश को तो दिस इज वेयर आप, दिस इज वेयर यू वर, दिस इज वेयर मीनाक्षी वॉज, या बाकी लोग जो है, आपका एक पर्टिकुलर एक फोल्डर खुला हुआ है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये फोल्डर कहाँ पर है, वेयर आर यू एग्जैक्टली. सो वो आपको कैसे समझ में आएगा, या तो आप PWD करें, PWD पे आपको दिखा रहा है दिस इज योर रूट फोल्डर, या फिर आप LS करके देखें कि LS के अंदर क्या क्या मेरे पास आ रहा है. सो जब आप LS कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ दिख रहा है आपके ये फोल्डर्स हैं जो स्लाइटली ब्लूइश कलर में, दीज आर डायरेक्टरीज फोल्डर्स, बाकी जो है आपकी फाइल्स हैं. तो इफ यू गो इन साइड ये यूजर जो है, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो प्रोबेबली यू विल गेट टू सी आपके जो सारे पॉसिबल यूजर्स हैं. या फिर लेट्स से कि आप एक ऐसे फोल्डर में हैं जहां आपको नहीं रहना है, यू वांट टू गो टू सम अदर फोल्डर, तो विंडोज पे देयर इज एन ऑप्शन. अगर आप फोल्डर किसी भी एक फोल्डर पे, फाइल एक्सप्लोरर पे जाइए, वहां पे किसी एक फोल्डर पे राइट क्लिक करो, तो वहां पे ओपन बैश करके एक ऑप्शन आना चाहिए. अगर आपको वो नहीं दिख रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं करंटली किस फोल्डर में हूँ. इस केस में हम रूट फोल्डर पे हैं, तो मैं कौन सा पाथ लूं कि मैं उस फोल्डर में पहुंच जाऊं जहां पे मुझे सारा कमांड्स रन करना है, जो भी प्रैक्टिस मुझे करनी है. तो टिपिकली हम क्या करते हैं, जो हम कोड लिखते हैं, हम अपने कंप्यूटर पे एक फोल्डर बना देते हैं जहां पे हम सारा कोडिंग का प्रैक्टिस करते हैं. मेरे केस पे थोड़ा सा आपको रैंडम दिखाई देगा, बट दिस इज नॉर्मली आई डोंट वर्क लाइक दिस. मैं जो है टिपिकली मेरा एक फोल्डर है फंक्शन अप नाम से, यहाँ पे मैं अपना सारा फंक्शन अप रिलेटेड जो मेरा टेक्निकल काम है वो यहाँ पे करती हूँ, सारा कोड मेरा यहाँ प्रेजेंट है. बाकी जो चीजें हैं वो डेमो के लिए मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई हुई है. आपको अपने सिस्टम पे एक फोल्डर में एक इस तरीके से फोल्डर बना लेना चाहिए. अभी फोल्डर कहाँ बनाना चाहिए, जहाँ पे आप कोड लिखेंगे या फिर जहाँ पे आप टर्मिनल कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप योर यू नो योर वर्क स्पेस सेपरेट फ्रॉम सिस्टम फाइल्स. तो विंडोज क्या करता है, आपके यूजर के अंदर कुछ ऐसे फोल्डर्स क्रिएट करता है जहाँ पे आपके सिस्टम फाइल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल्स प्रेजेंट होती हैं. तो भी वहां पे काम करो, क्योंकि वहां पे आपके टिपिकली आपके एडिट एक्सेस वगैरह सारी रिस्ट्रिक्टेड होती है. और दूसरी बात, कल को आप गलती से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि आपका इम्पैक्ट दे सकता है आपकी सिस्टम के ऑपरेशन पे. तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर या जो भी आपको मतलब व्हाटएवर मेक सेंस टू यू, आप उस फोल्डर पे अपना डायरेक्टरी बनाई है उस जगह पे, एंड देन वहां आप प्रैक्टिस कीजिए. तो क्या करना होगा ऐसे केस में, जब हम यहाँ पर हैं, तो आप जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके सिस्टम पे कहाँ पे राइट फोल्डर है, एंड देन सीडी कर करके आप उस फोल्डर में जाइए और वहां पे आप अपना प्रैक्टिस का जो है आपको जो चीजें करनी है वो करिए. देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस स्क्रीनशॉट मीनाक्षी. आप जब PWD कर रहे हैं तो आप रूट फोल्डर पे, विच इज वाई आपको ये स्लैश दिखाई दे रहा है. तो आपको क्या करना है, आपको उस फोल्डर में जाना है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, एंड देन आपको जो है यू कैन रन योर कमांड्स. सो यू कैन क्रिएट अ फोल्डर स्ट्रक्चर लाइक मी, जैसे मैंने बनाया था कि डेस्कटॉप पे प्लूटोनियम बना दिया, प्लूटोनियम के अंदर एक वीक नाम का फोल्डर बना दिया, देन वीक के अंदर लेट्स से हम सेटअप नाम का फोल्डर बना दे रहे हैं, सेटअप के अंदर हम गिट नाम का फोल्डर बना दे रहे हैं, एंड देन वहां से हम सीडी बाहर आ रहे हैं, PWD कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, यस यस, माय स्क्रीन शेयर इज ऑफ, आई एम नॉट शेयरिंग माई स्क्रीन. मैं एक बार क्विकली आई एम टेकिंग लुक कि आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो ये तो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. यस, सो हमें सबका सिस्टम अलग है, सबके सिस्टम पे फोल्डर्स अलग है, हो सकता है आपके ड्राइव्स भी अलग हो, कहीं पे हो सकता है एक सिंगल ड्राइव हो, कहीं हो सकता है मल्टीपल ड्राइव हो. तो यू नीड टू नो कि मेरा मुझे जो काम करना है किस फोल्डर में करना है, मेरा जो बैश खुला हुआ है वो उसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है. अगर आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप के अंदर, प्लूटोनियम के अंदर, सेटअप के अंदर जाके आप VS Code नाम के फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप गेट बैश लॉन्च करो और सीडी कर करके राइट पाथ पे चले जाओ. वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो आपके सिस्टम पे आपका पाथ बना हुआ है. यू विल नो कि आपको कहाँ जाना है. मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा फोल्डर किस फोल्डर के अंदर है. ठीक है, एक तरीका ये है कि आप खुद से एक्सप्लोर करो, LS करो, चेकआउट करो, या फाइल एक्सप्लोरर पे जाके देख लो. दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है फाइल एक्सप्लोरर पे जाके, फाइल एक्सप्लोरर से क्या मतलब है, मेरा जो मेरे केस में फाइंडर है, मतलब जो ऐसा दिखाई देता है,
यस सो मैं वन बाय वन आपके एरर्स ले रही हूँ, जो कॉमन एरर्स हैं जो आप खुद से रिजॉल्व कर पाएंगे. मैं थोड़े से आपको बस पॉइंटर्स दे रही हूँ, हिंट्स दे रही हूँ. सो यस, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग फाइल एक्सप्लोरर. मैं मेरे केस में मैक पे दिस इज कॉल्ड फाइंडर, विंडोज पे ये जो आपका ये इस तरीके की जो विंडो दिखती है दैट इज कॉल्ड योर फाइल एक्सप्लोरर. ठीक है, तो विंडोज पे क्या ऑप्शन होगा, अगर मुझे रेडॉन, मैं चाहती हूँ कि मेरे बैश पे रेडॉन मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो, हाउ डू यू डू दैट. आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन बैश करके, ओपन विद बैश इस तरीके से एक ऑप्शन दिख रहा होगा. मेरे केस में नहीं दिख रहा क्योंकि आई डोंट हैव गिट बैश, मैक पे वी डोंट हैव गिट बैश. सो ये आप कर सकते हो, ये सेकेंड ऑप्शन है. पहला ऑप्शन यही है कि मैनुअली जो है यहाँ जाओ और सीडी कर करके एक्सप्लोर कर करके वहां पहुंचो जहाँ पे आपको जाना है, विच इज अ गुड थिंग. थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा आपका. ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ कुछ कॉमन एरर्स किस टाइप के आएंगे कि आप जो है क्या कर रहे हो, आप मतलब दिस इज अ कॉमन थिंग जो बिगिनर्स करते हैं. आप क्या कर रहे हो कि अपने मशीन पे जाके गिट बैश खोल के आप सीडी वीक 3 ये कर रहे होगे कोड्स के अंदर इस तरीके से, और ये आपको क्या बोलेगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. या लेट से आपने कोई और कमांड रन किया है, एनीथिंग एल्स, और आपको इस टाइप का एरर आ रहा है, तो ये एरर अपने आप आपको ये बता रहा है कि आप जो भी जिस भी चीज में आप डायरेक्ट मतलब जिस भी फोल्डर के अंदर आप जाना चाह रहे हो, आप जो भी पाथ दे रहे हो यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी के बाद, वो पाथ में गड़बड़ है. देर इज नो सच डायरेक्टरी, ये आपको ये बता रहा है कि इस नाम की कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, देर इज एन एरर. ठीक है, तो विच मीन्स कि यू नीड टू नो कि पहली बात आप कहाँ पर हैं, एंड देन आपके आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन से फोल्डर्स हैं. ये चीज क्लियर है सबको, बहुत ही बेसिक सी चीज है. जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो वो चीज अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती रिलेटिव टू वेयर यू आर, तो वो वर्क नहीं करेगा. कॉमन सेंस है वो. ठीक है, सो जिन लोगों ने ट्राई किया है दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इवन इफ अगर आपकी एरर्स आ रही है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने एरर्स को समझना सीखो कि एरर जो कह रहा है, एरर जो आपको कन्वे कर रहा है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. गेटिंग एन एरर इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर वही एरर रिपीटेडली बार बार आ रही है और आप उसको खुद से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो ऐसा कभी अगर होता है कि सेम एरर बार बार आई जा रही है एंड आप स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो टेक अ पॉज एंड देन सोचो कि भाई मैं एम नॉट लर्निंग विद बाई रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो मुझे लर्न करना है, सेम एरर बार बार नहीं आनी चाहिए. ठीक है, सो अब जो है आगे मूव करते हैं. हम लोगों ने बहुत ही बेसिक कमांड्स अभी किए हैं, और भी अगर आपके जिनके भी अभी ओपन एरर्स हैं, जिन लोगों ने मैसेज लिखे हुए हैं, आई एम होपिंग कि आप एक बार दोबारा से अपनी एरर रीड करेंगे, आप ये देखेंगे आप कहाँ पर हैं, एंड देन आप ये देखेंगे कि मैं क्या कमांड जो है रन कर रहा हूँ या कर रही हूँ. प्रोबेबली आपके कमांड में प्रॉब्लम है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से कमांड्स और हैं उनको कवर करते हैं एंड देन एक शॉर्ट असाइनमेंट करेंगे. एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है जिसमें आप खुद से भी अपने लेवल से थोड़ा एक्सप्लोर करोगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना है. ठीक है, जिनका बहुत फास्ट जा रहा है गाइस, थोड़ी देर के लिए ना ये दिमाग से निकाल लो कि पेस क्या है, मतलब ये स्पीड आपको फास्ट ही लगेगी. और लॉजिकली बूट कैंप में कॉन्टेंट ज्यादा कवर हो रहा है, हम पूरा बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कॉन्टेंट तो नया ही है. कि आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्या आपको इतना टाइम जो दे रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो थोड़ी देर के लिए मतलब डोंट कीप ऑन रिपीटिंग दिस सेम दिस थिंग कि बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है. आई नो फास्ट है बट मैनेजेबल फास्ट है, इतना मतलब हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है इस तरीके से. ठीक है, तो उस चीज पे फोकस करो कि क्या करा जा रहा है, क्या मुझे प्रैक्टिस करना है. आई डू दैट, मेरे जो एरर आ रही है मैं उन एरर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, एंड देन जो है उसके जो भी मुझे उसका रिप्लाई मिल रहा है उस बेसिस पे मैं रिजोल्व कर रहा हूँ. तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और कवर करते हैं, थोड़ा सा असाइनमेंट करते हैं, एंड देन हम आगे का कंटेंट जो है करके आज का दिन रैप करेंगे. देन वी विल टेक टाइम, रात में बैठ के सॉल्व करेंगे चीजों को, टैग करेंगे राइट चैनल पे एंड वी विल ट्राई टू गेट थिंग्स रिजॉल्व. आज का टीए सेशन है, आज कई चीजें हमने दो तीन चीजें छोटी छोटी की हैं, ट्राई टू सी कि टीए सेशंस में जो भी ओपन प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो हो सारी हम जो है. ठीक है, सो अब तक हम लोगों ने क्या किया था, फाइंडर की लैंग्वेज में अगर देखें जीयूआई के बेसिस पे, हम लोगों ने ये काम किया है, हम लोगों ने ये काम किया है और हम लोगों ने ये काम किया है. राइट, अंदर जाना फोल्डर के, बाहर आना फोल्डर के, और जो है फोल्डर्स को क्रिएट करना. ठीक है, तो वीक 3 के अंदर जो है, लेट्स से मैं यहाँ एक नया फोल्डर बना देती हूँ सिंपल, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी दिस इज माई सेटअप फोल्डर.
और जो है दिस इज माई अनदर इनर फोल्डर जो सेटअप के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो ये मैंने क्या किया, मैनुअली इस फोल्डर को क्रिएट किया है. सो जिस तरीके से बाकी चीज हम कमांड के थ्रू कर रहे हैं, तो हम फोल्डर क्रिएशन भी कमांड के थ्रू कर सकते हैं. विच मीन्स के देर इज अ कमांड दैट क्रिएट्स अ फोल्डर. कहाँ क्रिएट करेगा दैट डिपेंड्स कि आप राइट नाउ बैश अपने टर्मिनल पे आप कहाँ पर हैं, वॉट इज योर PWD. मतलब अगर आपका PWD कुछ ऐसा है AB/C और अब आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने का जो है कमांड रन कर रहे हो, विच इज MKDIR, और आपका नया फोल्डर है लेट्स से सबीहा. तो ये सबीहा फोल्डर कहाँ क्रिएट होगा आपका, ऑब्वियसली A/B/C/ और इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा. अगर लेट्स से कि आप जो है A के अंदर हैं और ये आपका PWD है, यहाँ आप जाके इस तरीके से अगर नाम लिखते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे MKDIR नेहा कर दूँ, तो व्हाट हैपेंस नाउ, अब आपका फोल्डर कहाँ क्रिएट होगा, ए के अंदर क्रिएट होगा. सो फोल्डर, ये कमांड तो फोल्डर क्रिएशन का है, बट आपका फोल्डर कहाँ क्रिएट होता है दैट डिपेंड्स वेयर यू आर राइट नाउ, दैट डिपेंड्स व्हाट योर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज. ठीक है, सो यहाँ आते हैं, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है चेक कर लेते हैं. तो ये मेरा रूट डायरेक्टरी है, यहाँ तो मुझे नहीं क्रिएट करना है, आई नीड टू गो इनसाइड गिट के अंदर जाना है मुझे. ठीक है, तो अब कैसे जाऊं, मैं यहाँ पे कंटेंट देख रही हूँ LS, तो मतलब ये फोल्डर्स हैं, तो आई नीड टू गो इनसाइड, कहाँ जाना है मुझे, यूजर्स के अंदर जाना है. तो यूजर्स के अंदर गई, एंटर किया, अब मेरा जो है PWD चेंज हो गया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. अगेन मुझे कंटेंट देखना है, लिस्ट देखना है, तो इसमें किस यूजर के अंदर जाना है मुझे, सभी यूजर के अंदर जाना है. सो CD एंड देन दिस, और उसके बाद में एंटर करूंगी. एक चीज मुझे आपको दिखानी थी, विच इज के आप क्या कर सकते हो, जब आप फोल्डर का नाम लिखना है आपको, तो पूरा नाम इस तरीके से टाइप करने के बजाय आप एक ये काम कर सकते हो कि आप यहाँ लिखो S और आप जो है उसके बाद A लिख दो और B लिख दो, और पूरा टाइप मत करो. पूरे टाइप करने में क्या है कि अगर आप लंबी चीज टाइप कर रहे हो तो आपसे गलती हो सकती है, राइट, जो मुझे थोड़ी देर पहले हुई थी प्लूटोनियम Week 3 के अंदर. तो वॉट यू कैन डू इज, आपके कीबोर्ड में एक टैब नाम का की है, ठीक है, सबको दिख रहा है, एस्केप के जस्ट नीचे एक टैब नाम का की है. तो वॉट दिस टैब डज इज, ये आपका ऑटो फिल कर देता है. तो मैंने टैब पे क्लिक किया और उसने ऑटोमेटिकली आगे का पूरा नाम पकड़ लिया. दोबारा से दिखा रही हूँ मैं, मैंने क्या किया, मुझे लिखना ये है सबीहा खान, ये लिखना है. और मैनुअली अगर मैं टाइप करती हूँ तो उसमें मुझसे मिस्टेक हो सकती है, कई बार अगर लंबा पाथ है तो मुझे मिस्टेक पता भी नहीं चलेगी. तो वॉट इज अ गुड सोल्यूशन, शॉर्टकट क्या है, आप इस तरीके से लिखिए CD, और उसके बाद जो आपको फोल्डर का नाम लिखना है आप उसके सिर्फ शुरू के कैरेक्टर्स लिखिए, और उसके बाद कीबोर्ड पे टैब वाला जो की है उसको प्रेस करेंगे, तो ये आपको ऑटो फिल कर देता है पूरा नाम. अब ऐसे कौन से केसेस हैं जब ये ऑटो फिल नहीं कर पाएगा, तो देख रहे यहाँ पे व्हाट हैपेंस नाउ इज के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सिर्फ एक फोल्डर है जो SA से स्टार्ट हो रहा है, SA से. तो वो क्या करेगा, जब आप टैब करोगे तो उसको ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट मिल ही नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई और मैच मिल ही नहीं रहा जो SA से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो क्या करेगा, उसको समझ आ जाएगा कि मुझे सबीहा खान ही यहाँ पे एंटर करना है. सो इसलिए ये इजीली हो जा रहा है. सो एक सेकंड हम आगे चलते हैं, मैं आपको ये अंदर बताती हूँ एग्जाम्पल में. सो डेस्कटॉप के अंदर क्या था, प्लूटोनियम था, और उसके बाद जो है सेटअप था, और उसके बाद जो है गिट था. तो मैंने पूरा पाथ देखो एक CD के साथ दिया है, यहाँ पे बार बार इंडिविजुअल CD नहीं किया है, मैं ये पाथ भी दे सकती हूँ. इसको एंटर किया तो इसने मुझे यहाँ पे मेरा करंट फोल्डर बता दिया, और अब अगर मैं PWD करूंगी तो मुझे पूरा बताएगा कि आप यहाँ पर हो करंटली. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है दो फोल्डर्स बनाऊंगी गिट के अंदर, और दोनों का नाम के शुरू के जो कैरेक्टर्स है वो सेम रखूंगी. ठीक है, तो एक बार LS कर लेते हैं. गिट के अंदर क्या है, गिट इज एम्प्टी, गिट के अंदर कुछ भी नहीं है, ऊपर हम लोगों ने गिट क्रिएट किया था, राइट. अच्छा नहीं, गिट तो मैनुअली किया था. ठीक है, सो गिट के अंदर हम दो जो है फोल्डर बना देते हैं. फोल्डर बनाने का जो कमांड है दैट इज MKDIR. MKDIR स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी. ठीक है, MKDIR स्पेस और उसके बाद फोल्डर का नाम. तो एक फोल्डर का नाम मैं लिख रही हूँ कमांड्स, LS कर लो, चेक करो. अब आपको यहाँ पे कमांड्स नाम का एक डायरेक्टरी दिख रहा है. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और डायरेक्टरी बना रही हूँ जिसका नाम है कमेंट्स. ठीक है, अब ये बना दिया. अब इसके बाद देखो, आप ध्यान दोगे तो एक बार LS कर लेते हैं.
एलएस के अंदर आप देखोगे एक कमांड्स नाम का फोल्डर है, डायरेक्टरी है, और एक कमेंट्स नाम की डायरेक्टरी है। मुझे जो है लेट्स से मुझे कमेंट्स के अंदर जाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑटो फिल वाला यूज करना चाह रही हूँ फीचर। मैंने सीडी किया, मैंने सी ओ लिखा और उसके बाद मैंने टैब वाले की पे क्लिक किया, तो इसने क्या करा सी ओ एम एम लिख दिया। उसके बाद मैं दोबारा से टैब कर रही हूँ, तो ये इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ। क्यों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो सी ओ डबल एम कॉमन है दोनों में, राइट, तो आपका टर्मिनल ये पहचान नहीं पा रहा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ ऑटोफिल वर्क नहीं करेगा। तो आपको वो नीचे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि भाई यहाँ दो ऑप्शंस हैं, आप कमांड्स या कमेंट्स में से कोई एक चूज।